मॉर्निंग सेशन में वेलकम, स्वागत और अभिनंदन। मॉर्निंग सेशन साथियों वास्तव में मिरेकल कर रहा है। इसके चमत्कारिक रिजल्ट हमारे सामने हैं। एक वक्त था कि हमने 4 से 5 लोगों के साथ इसको शुरुआत की थी, लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं कि ये एक कारवां बन गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों का प्रयास और सहयोग अछूता नहीं है। लगातार साथी हमारे साथ बने रहे और बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद और आस है। क्योंकि जिसको कुछ सीखना है उसको कुछ त्याग भी करना होता है। सुबह के वक्त सभी को नींद अच्छी लगती है, लेकिन समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव होता है और नया जानने और सीखने की लालसा रहती है। और एक बात बोली जाती है, नो पेन नो गेन। ये कहते हैं कि सृष्टि की रचना भी दर्द के साथ होती है। और मुझे उम्मीद है कि यहां जो शानदार पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठे हैं वो इस प्रकार का दर्द लेने के लिए तैयार हैं। और मैं पुनः सभी साथियों का वेलकम और स्वागत करता हूं। अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग एज ग्रुप के साथी हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं सैल्यूट करता हूं मातृशक्ति महिलाओं को। और वाइटल पिन अचीवर हमारे बीच हैं, आपका भी मैं स्वागत और वेलकम करता हूं। रॉयल्टी अचीवर राजेश वत्स जी, सिनू मैम हमारे बीच हैं, वेलकम करता हूं मैं आप दोनों का। और शानदार पर्सनैलिटी टेक्निकल अचीवर और इस मॉर्निंग सेशन के कर्णधार मास्टर रामरतन जी हमारे बीच हैं। तो सारी प्लानिंग सर के मार्गदर्शन में रहती है, जो कि शानदार रहती है। और एक एक साथी को सर चाहते हैं कि अचीवमेंट पर लेकर के आए, और वैसी प्लानिंग के साथ हमारे बीच रामरतन सर अवेलेबल हैं। मैं वेलकम करता हूं आप सभी के साथ आगे की कार्रवाई के लिए। वेलकम सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया वत्सा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जो साथी आज पहली बार आए हैं, संख्या काफी अच्छी चल रही है, अभी सीखने की जिज्ञासा हर किसी में है। जो साथी पहली बार आज आए हैं इस कार्यक्रम में, उनका सभी साथियों की तरफ से दिल की गहराई से उनका वेलकम है। और जो लगातार बने हुए हैं उनका भी जो है परमात्मा उन सभी पर आशीर्वाद दे रहा है। जो हमारे रॉयल्टी चीवर हैं वो हमारे सीनियर पिलर हैं, जो रॉयल्टी चीवर हैं हमारे, वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन वो उस मेहनत से गुजर चुके हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। मेहनत सभी को करनी पड़ती है। तो हमारे रॉयल्टी चीवर बड़े कंधे से कंधा मिलाकर के कार्यक्रम में बिल्कुल अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। साथियों स्लोगन तो सभी जानते हैं, लेकिन काम करने में सफलता कैसे आए उसमें कोई ना कोई आप इशू मुद्दा डाल लीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि मैंने मेरे देश को समाज को स्वस्थ करना है, मैंने मेरे देश को समाज को स्वस्थ करना है, ये मिशन अगर आपका बन गया तो आपकी टीम भी बन जाएगी, नेटवर्क भी बन जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, दिल की गहराई से हम उनका बहुत बहुत मान करते हैं, और वो बोला करते हैं कि पैसे के पीछे मत दौड़ो। आम आदमी पैसे के पीछे दौड़ता है क्योंकि पैसा सभी को अट्रैक्ट करता है, पैसा सभी को आकर्षित करता है। टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के पीछे दौड़ो, प्रोडक्ट की जानकारी के पीछे दौड़ो, एक अच्छा सा उद्देश्य बना लीजिए उसके पीछे दौड़ो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, इतना आएगा कि आप रोक भी नहीं पाओगे।
क्योंकि जब गेहूं हम लोग लगाया करते हैं तो तूड़ी यानी चारा के लिए गेहूं कोई नहीं लगाता, वो गेहूं अनाज के लिए लगाई जाती है, और वो जो चारा है वो तूड़ी है वो तो अपने आप ही आ जाती है। पैसा तो उनके लिए तूड़ी है, अपने आप आएगी। तो साथियों, कोई ना कोई आप मुद्दा बना लीजिए, कोई ना कोई आप इश्यू बना लीजिए। अगर आपको गांव का सरपंच बनना है तो आप ये कहते फिरो कि मैं सरपंच बनूंगा, सरपंच बनूंगा, सरपंच बनूंगा, कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट उस बात को छू दिया जो आप करना चाहते हो, उसको पीछे कीजिए। आप ध्येय बना लीजिए कि मैंने मेरे गांव की सेवा करनी है, मेरे गांव की सेवा करनी है, हर इंसान को मैंने सपोर्ट करना है, जितना मेरे से बन सकेगा मैं करूंगा, मैं अच्छा बोलूंगा, गांव की भलाई करूंगा। भूल जाएं सरपंच एमएलए एमपी, सिर्फ ये शुरू कर लें कि मैंने मेरे गांव की भलाई 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 करनी है। सारा गांव आपको बोलेगा कि भाई साहब आप बन जाइए, आपको नहीं, आपको बना देंगे। पैसा जो है बाई प्रोडक्ट है। आप साथियों एक मिशन का हिस्सा बनिए, महिलाओं को जागृति के लिए, जो हमारे बहुत सारे समाज के अंदर दुखी लोग हैं, पैसा तो क्या उनको खाने के लिए नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है। आप बीमार बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, बीमारों को दूर, बीमारी हटाने के लिए, आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप स्वास्थ्य अभियान चलाइए, और जब आपका स्वास्थ्य अभियान चलेगा तो लोग आपको स्वास्थ्य योद्धा के रूप में जानेंगे और आपसे बार 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 सलाह लेंगे, और आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, आपका नेटवर्क भी बनेगा, इमेज भी बनेगी। पैसा तो कितना आएगा उसकी कोई बात नहीं है। वैसे भी दोस्तों, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना, ये जो छोटी बात नहीं है, एक्चुअल में जहां पर नजरें होती हैं वो सामने नहीं आती। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें मिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, और मिशन सादगी का होना चाहिए, पैसा वो लेके आएगा। आप पैसे के पीछे पड़ जाइए, पैसा हमारे से दूर जाएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। पैसा हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट माना जाए तब आएगा। जिस चीज के आप पीछे पड़ोगे उसमें आपको त्याग करना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया था, बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, छोटा सा उसका बीज होता है, और छोटा सा बीज भी अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को त्याग कर देता है, अपने आप का देह त्याग कर देता है, और फिर वो पेड़ बनता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक विशेष बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। आज साथियों मेरे सामने बहुत ही सम्मानित साथी बैठे हैं, सुबह सुबह परमात्मा का आशीर्वाद सभी को मिले, ये दुआएं सभी की ओर से हैं। भगवान सभी के ऊपर खूब अपना मेहर बरसाए। अगर किसी के मुंह से भी ये बात निकल जाए, चाहे दुश्मन के लिए निकल जाए, फिर भी भगवान उसके लिए आशीर्वाद देता है कि किसी ने तो इसके लिए दुआ मांगी है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी दुआएं हैं कि आप कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों तरीका क्या है, मिशनरी बन जाइए, मिशन का हिस्सा बन जाइए। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपको कमाना है तो आपको टॉपिक ले लीजिए, टॉपिक ले लीजिए, और स्वास्थ्य से बड़ा टॉपिक मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो हेल्थ वर्कर बन जाइए, हेल्थ वर्कर, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे, हमारे देश में आप ही बता दीजिए, 7 लाख से ज्यादा गांव हैं और उनमें घर हैं, क्या कोई घर ऐसा है जिसके यहाँ मेडिसिन नहीं रखी हो? कोई भी घर ऐसा है क्या जिसके घर में मेडिसिन ना रखी हो, जो बीमार ना हो जिसके यहाँ? आपका मिशन, अगर मिशन स्वास्थ्य आपने रख लिया, साथियों योद्धा बनना पड़ता है। आपके घर के आगे लिखा जाए या आपके दिमाग में आपके ऊपर जो है हुआ जाए कि आप स्वास्थ्य कर्मी हो। तो आज का हमारा मिशन है, पैसा प्रोडक्ट से आएगा और प्रोडक्ट लाजवाब हैं। मैं कुछ ही 10-12 मिनट की जो है हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी, और साथियों यही मैं बात कहूंगा, ना मेरे पास पैसा है ना आपके पास पैसा है, पैसा प्रोडक्ट के पास है। कंपनी प्रोडक्ट हजारों हजार करोड़ का बना देगी, जितना वो रिमूव होगा, जितना वो वहां से निकलेगा, उतना पैसा लेकर के कंपनी में आएगा। साथियों आप जो है अभी
ध्यान रखें। राजेश वत्स सर आप जो है ना माइक कन्म्यूट कर लीजिए सर। और हाँ सर देखिए मेरी जो स्क्रीन है आप वो देखें आई हुई है कि नहीं आई हुई है अभी। हाँ तो सर बात क्या है, फोन को अगर आप थोड़ा लंबा करोगे तो शायद ये बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई देगी, मतलब स्क्रीन कंप्लीट दिखाई दे रही है सर जी। हाँ बाकी माइक ओपन ना करें। देखिए वेल्थ और हेल्थ अपने दिमाग में इस बात को बिठाना है दोस्तों, वेल्थ और हेल्थ। धन कमाना एक अलग बात है, स्वस्थ कमाना एक अलग बात है। अगर जिसके दांत मजबूत हैं तो वो कभी भी अखरोट खा सकता है, कभी बादाम खा सकता है। जिसके दांत नहीं है और अमीरी खूब है उसको तो बादाम पीस के पिलाने पड़ेंगे बेचारे को, चबाने का मजा उसके पास नहीं है। देखिए हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का क्या करेगा। घुटने नहीं है, पार्क में सैर करने का मन करता है तो घुटने ही नहीं है बेचारे के, चलता ही नहीं पा रहा है। आंखें ही नहीं है बेचारे के, क्या करेगा सुंदरता को देख करके। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है और वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए काम करना चाहिए, स्वस्थ के लिए भी और पैसे के लिए भी। आप अपने लाइफ में दोनों के लिए काम कर रहे हैं क्या? अगर आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं या हमारे और दूसरे कर्मचारी हैं या व्यापारी भाई हैं या दुकानदार भाई हैं, स्वास्थ्य को लेकर के ठीक हो क्या? अगर नहीं हो तो सोचने की जरूरत है। और साथियों मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे को धन दौलत मिलता है वो इससे मिलता है, लाफ्टर थेरी यानी आप थेरेपी। देखिए जो आप खुश रहोगे, हंसमुख रहोगे, हंसमुख रहोगे तो सचमुच परमात्मा भी साथ में आता है। एक बच्चा हंस रहा है, एक बच्चा बार बार रोता रहता है तो रोते हुए बच्चे को लोग चिढ़ जाते हैं कि बार बार क्या उठाएं इसको। तो थोड़ा स्माइलिंग रखें, थोड़ा खुश रहें, थोड़ा अपने आप में बदलाव करें और ये बदलाव करें कि मैं खुश हूं। अगर हम हंसते रहेंगे, थोड़ा सा स्माइलिंग का मतलब होता है हंसमुख रहेंगे, मैं ये नहीं कहता छोटी बात पर खिलखिला पड़े, ऐसा नहीं है। थोड़ा हंस के रहें या मुस्कुरा के रहें, समस्याएं आती हैं, किसको नहीं समस्याएं आती। अगर हम उन समस्याओं से टूट जाएंगे दोस्तों, अगर हम उन समस्याओं से बिल्कुल पिस जाएंगे तो फिर और भी दिक्कत में आ जाएंगे, पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, स्वस्थ भी नहीं कमा पाएंगे। तो लाफ्टर थेरेपी जो है ये हमें करनी चाहिए, कभी कभार परिवार में बैठ के हमें हंसना चाहिए, परिवार में हमें हंसना चाहिए, परिवार वालों को भी हंसने के लिए मौका देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ये आपके सामने क्या है दोस्तों, ये आपके सामने चावल है और ये चावल भुरभुरे चावल हैं। पहले ऐसे चावल होते थे, आजकल आप ऐसे नहीं खाते हो, आजकल तो आप बिल्कुल सेलर के बने हुए सफेद चावल खाते हो, वो सफेद चावल प्लास्टिक जैसे होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पर चावल खिलाने की बात नहीं कर रहा, ये चावल है क्या? ये चावल परमात्मा का एक प्रकार से भोग है, ये चावल परमात्मा के ही भोग हैं। देखिए चावल के बिना कोई यज्ञ होता है क्या? चावल की पूजा की जाती है क्योंकि चावल के अंदर पुराने हमारे जो प्राचीन लोग थे, पूर्वज थे हमारे, उनको पता था कि इसके अंदर जीवन छिपा हुआ है। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, किसी को अचरज भरी लगेंगी, किसी को सही लगेंगी। अगर ध्यान या निशाना सही जा रहा है तो इसमें प्राण थे हमारे, इसमें हमारा जीवन था, इसलिए उन्होंने इन चीजों को सबके आगे रखा, सबके आगे रखा। और ये हमारे लिए चावल जो है पूजा में भी काम आते हैं, ये प्राण हमारे लिए हैं। पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? वो हमारे लिए प्राण का काम करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने उन चीजों को सेफ रखना चाहा जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। वो बहुत ही एजुकेटेड लोग थे, बहुत ही समझदार लोग थे। तो ये चावल क्या है दोस्तों? चावल ये है, इस चावल में से गामा ओरिजिनोल निकलता है। समझने की बात है दोस्तों, जीवन बदल सकता है। झांसी की रानी का घोड़ा कहां पर अड़ा? उसका कुछ फर्क नहीं है। हल्दी घाटी में क्या हुआ था?
आज ही खंडहर है, वहां पर बहुत कुछ हुआ था। दोस्तों महाराणा प्रताप या हमारे जो है शिवाजी जी पानीपत में क्या हुआ था, उनका महत्व नहीं रहा है आज। ये महत्व है कि इस चावल से, भुरभुरे चावल से सफेद सफेद क्या निकलता है। ये सफेद सफेद गामा ओरिजिनोल है, ये गामा ओरिजिनोल की पावर है। जो लोग उस समय वो अन्न खाया करते थे, वो भगवान का भोजन उन्होंने बनाया था। देखिए ये कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों, मेरी स्क्रीन अगर आपके पास अगर क्लियर आ रही है, आप अपने फोन को दाएं बाएं कर सकते हो, तो ये मेरी जो है ये गामा ओरिजिनोल है दोस्तों। अगर बात करें ये मिरेकल प्रोडक्ट है, चमत्कारिक प्रोडक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी रिसर्च है मेरे पास, सारी नहीं दिखाई जा सकती। गूगल पे सर्च कीजिए, www.gammaoriginalin पे जाइए, सारी रिसर्च मिलेगी। जापान क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, वेदांता हॉस्पिटल क्या कहता है, गंगाराम हॉस्पिटल क्या कहता है, एम्स क्या कहता है, दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपका विश्वास पैदा करेंगी। गामा ओरिजिनोल इज अ मिरेकल प्रोडक्ट, चमत्कारिक प्रोडक्ट, मरने मरने वाले व्यक्ति को जिंदा कर देता है, लेकिन हमें उसकी ताकत का शायद अंदाजा नहीं होगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास कब करना पड़ेगा, हम जब रिसर्च को पढ़ेंगे। ये क्या है दोस्तों, हर घर हेल्थ गार्ड, हर घर गामा ओरिजिनोल। जब ये हेल्थ गार्ड ने तहलका मचा रखा है, अच्छा एक आप अपने मन में दिल में सोचिए, हेल्थ गार्ड ने तहलका मचा दिया, क्या कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति आपको मिला दोस्तों जो ये कहता हो कि मुझे हेल्थ गार्ड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? क्या आपको दोस्तों कोई मिला कि मुझे बिल्कुल भी हेल्थ गार्ड अच्छा नहीं लगता, तो उसमें क्या रहेगा? नहीं मिलेगा। हेल्थ गार्ड सुपर प्रोडक्ट है और उसमें गामा ओरिजिनोल हमारा ज्यादा है, और वो तो थोड़ा सा है, बाकी मार्केट में जितने भी तेल खाने के हैं उनसे तो ज्यादा ही है, लेकिन इसमें तो है थोड़ा सा ही। लेकिन जो ये लाल डब्बी रखी है, ये तो 100% गामा ही है, गामा ओरिजिनोल है। अगर इसको हमने खा लिया, हेल्थ गार्ड ने ही लोगों को ठीक कर दिया और गामा को खा लिया, तो क्या होगा, मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, बीमारियां रहेंगे भी नहीं, अगले दिन ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी रिसर्च है, दोस्तों बहुत सारी रिसर्च है। ये जो इतनी बीमारियां हैं ना, जितनी ये बीमारियां मेरे सामने रखी हुई हैं, ये आप इनको देख सकते हो एक एक करके। मैं इनको लेके आऊंगा, बार बार मैं इनको लेके आऊंगा। ये चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे थायराइड हो, चाहे शुगर हो, ये माइग्रेन जैसी समस्या हो, न्यूरो की समस्या हो, या किसी प्रकार की मांसपेशियों की कमी हो, कैंसर की भी बातें हो, या इसके बाद हम ऊपर दूसरी साइड पे आते हैं, अगर हम बात करें त्वचा की बात हो दोस्तों, किसी भी प्रकार से लीवर संबंधी बात हो, सूजन संबंधी बात हो, किसी प्रकार से उच्च रक्तचाप संबंधी बात हो, या और दूसरे जो है आंतों जैसी समस्याओं के अंदर हो, या हमारी जो है महिलाओं की समस्याएं हो, दोस्तों कितनी समस्याएं हो सकती हैं अगर हम बात करें। बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, और ये प्योर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। देखिए मैंने तो ये बता दिया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं दोस्तों, मैं रिसर्च को बता रहा हूं, रिसर्च साइंटिस्ट ने की है, उन्होंने मेहनत किया है, वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च बना करके हमारे सामने रख दी, अब हमें रिसर्च करने की जरूरत क्या है, उन्होंने बता दिया ये इतनी चीजों में काम आता है, बस हमें विश्वास करना होगा। ये मिराकल प्रोडक्ट है दोस्तों। आप देखिए, जिंदगी भर लेते रहेंगे दवाइयां वो लोग जिनको अस्थमा हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गई, और जो है अल्जाइमर हो गया, या जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, या जो हार्ट जैसी समस्या हो गई, ये जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, आपके पड़ोस में भी लोग रहते हैं, हमारे घरों में भी रहते हैं। साथियों मेरा विनम्र निवेदन है, थोड़ा सोचिए, क्या ये लोग जिंदगी भर दवाई लेने के लिए हैं? क्या ये जिंदगी भर दवाई लेंगे? और डॉक्टर भी बोलता है, कमाल की तो बात यह है, जिस डॉक्टर का जो पेट है वो कम से कम 1 फुट बाहर निकल रहा है, उसको खुद ही नहीं पता तो बीमार है, चश्मे उसके बड़े बड़े लगे हुए हैं। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दवाइयां देखते हुए ये कह रहा है कि भाई जिंदगी भर लेनी पड़ेगी तेरे को। कमाल है भाई, जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी जिंदगी भर भाई? एक टायर में पंचर हो गया, जिंदगी भर पंचर लगवाना पड़ेगा, क्यों भाई? इसको बदल देना, अच्छा टायर ले ले, बदल दे। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, ये दवाइयां जिंदगी भर नहीं खानी, ये हम गुमराह किए जा रहे हैं।
अगर हम बात करें ऑल इन वन गामा ओरिजिनोल, ऑल इन वन सभी बीमारियों का एक इलाज है दोस्तों। साथियों इसको गूगल पे जाइए, www.ओरिजिनोल पे जाइए, आप रिसर्च पे जाइए, जो डॉक्टरों की जो वो निकलती है साल में एक बार जो गजट निकलता है उस पे जाइए साथियों, वहां लिखा मिलेगा गामा क्या करता है। हमारे भारत के राजपत्र जिसको गाइडलाइन बोलते हैं, इन्होंने इसको कहा है ये न्यूट्रिशन है, गामा को न्यूट्रिशन मान लिया है। गामा चावल से निकलता है लेकिन इसको न्यूट्रिशन मान लिया है, जरूरत मान लिया है हमारे देश में लोगों की। साथियों ये बात मैं दोबारा से एक एक करके दिखा रहा हूं, ये न्यूरो सुरक्षात्मक है, आपके माइंड को आपकी नसों को सुरक्षित रखता है। कई साथियों का दिमाग चल जाता है, कई साथियों का दिमाग कम हो जाता है, कई साथियों को किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या आ जाती है, हमारे आसपास लोग बड़े दुखी रहते हैं और लोग उनको दवाइयां दे दे के पागल बना देते हैं। इसको दीजिए ना दो टाइम सुबह शाम 150 mg है, वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो उसकी मर्जी है, आप योद्धा बनिए, आप इसको रिसर्च पे जाइए, इसकी रिसर्च भी है, अभी मैं नहीं दिखा पा रहा, इसकी रिसर्च है कि न्यूरो में कैसे काम आता है ये गामा, आप उसको लिखिए, बार बार लिखिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके कलर स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरी में लगाइए और उसको बताइए मेरे भाई ये जरूरी है आपको। वो नहीं मानेगा दूसरा मान जाएगा, वो नहीं मानेगा तीसरा मान जाएगा, वो नहीं मानेगा चौथा मान जाएगा, और जिसने मान लिया उसका आराम हो जाएगा। आराम हो गया तो ये बल्ले बल्ले होगी कि आप योद्धा बन गए, आप दवाइयां छुड़वाने वाले बन गए। शुगर की दवाई सारी जिंदगी खानी है, बताओ कि किस लेकर गए, शुगर ही तो बढ़ रही है और तो नहीं कुछ हो रहा ना, शुगर ही तो बढ़ रही है, शुगर कम कर लो, पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा ना आजकल, तो नकली पैनक्रियाज लगने लग गए हैं, लेकिन पहले वाले को ठीक कर लो, शुगर ही कम कर लो ना, शुगर कम मामला सेट। साथियों शुगर में जो है ये जबरदस्त काम करता है, जो थायराइड है कहते हैं कोई दवाई नहीं थायराइड की, तो बोले देना है टेबलेट सवेरे, और वो साथियों उसकी डोज बढ़ जाती है, उसकी डोज आज कुछ है 6 महीने के बाद, कुछ है साल के बाद, कुछ है, बताओ कैसे दवाई खाएगा, उसको तो उबक आती है ना, उसको तो समस्या आती है। ये थायरेक्शन को ठीक कर, थायराइड को ठीक करता है। देखिए लोगों ने एक नहीं हजारों लोगों ने रिजल्ट दिए हैं, अगर आपके किसी भी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, खून गाढ़ा हो रहा हो, ये इसको ठीक करता है ये। मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ, नाली देखो, नसें देखो किस प्रकार वो जाम हो गई है, वो कैसे गंदा खून जो उसमें जम गया है, गाढ़ा हो गया है, ये इसको ठीक करता है। और ये देखिए त्वचा संबंधी, त्वचा के लिए हजारों प्रकार के हम क्रीम में पाउडर पता नहीं क्या क्या लगाए जाते हैं, कमाल की बात है, शाम सवेरे दो लेते रहिए, 3 महीने में रिजल्ट देखिए आप उसका, 3 महीने में पेट की समस्या देखिए और त्वचा की समस्या देखिए, ये हल हो जाएगी बिल्कुल, त्वचा पे निखार आएगा 3 महीने। मैं कहता हूँ जितने भी पार्लर होते हैं, जितने भी आप घरों में जो पैसे लगा के आते हो, इसको खाना शुरू कर दीजिए, त्वचा में निखार आएगा 3 महीने में, 100% गारंटी रहेगी। हड्डियों में जो कमजोरी आती है, कहते हैं मेरी तो जो रीढ़, डॉक्टरों के पास तो एक ही इलाज है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में पेंच निकल गए, तुम्हारे तो मनके निकल गए, कमाल है भाई, मनके निकल गए, तेरे को पता है मनके निकल रहे, ठीक कर दे मेरे भाई, तेरे को पता है, ये तो तुमने कह दिया कि मनके ठीक ढीले हो गए इसके, ठीक कर देने, अब ठीक नहीं है, एक ही तो इलाज है ना, कह दिया ये ठीक है, तुम्हारा तो ये हो रहा है भाई, आप गामा खाइए, इसके अंदर हड्डियां भी मजबूत होंगी। साथियों आप इसको थोड़ा पढ़ के देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मधुमेह की रोकथाम करता है, जिसको शुगर बोलते हैं, उच्च रक्तचाप को यानी हाई ब्लड प्रेशर, तनाव को कम करता है, मांसपेशियां मजबूत करता है, थायराइड, तनाव के कारण जो गैस बन जाती है, देखिए तनाव हो रहा है, टेंशन हो रही है, पेट में गैस होगी, अब इस प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों के उपचार में प्रभावी है, त्वचा पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, हड्डियों को मजबूत करता है, न्यूरों की बात ठीक करता है, जैसे ये माइग्रेन वगैरह या जो नसें हमारी होती हैं या माइंड की जो बातें होती हैं, जिगर और लीवर इसकी सुरक्षा करता है, महिलाओं की मेनोपॉज के लक्षण को दूर करता है और कैंसर जैसे भी की भी रोकथाम करता है। अगर हम बात करें, ये ब्राजील ने बताया है कि ये कोरोना जैसी महामारी में भी उसके दुष्प्रभावों को रोकने में कामयाब है, वहां की ये रिसर्च बता रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोरोना में इसको खा लीजिए लेकिन उन्होंने रिसर्च बताई है ये फायदा करता है। ये किसी का लीवर की प्रॉब्लम है तो प्रोटेक्ट करता है, आप देखिए ये किसी की जो है ना जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो गैसें हो रही हैं, देखो कहते हैं गैस बहुत हो रही है, गैस तो होएगी भाई, उड़गम सुड़गम खाना पड़ेगा, बाहर का वो खाना पड़ेगा और दवाइयां ने तो भीतर घर कर लिया है, तो उनको दूर करने के लिए ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है। और न जाने मार्केट में कितने कितने प्रोडक्ट गामा के नाम से आए हुए हैं साथियों, 2500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये की एक शीशी आती है, 2500 रुपये से 5000 की मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूँ,
किसी केमिस्ट के पास जाके बोल तो दीजिए, ताल कंपनी का गामा दीजिए, ताल कंपनी का गामा दीजिए, और गामा के नाम लिख के सैकड़ों प्रकार के गामा आएंगे यहाँ पर 2500 रुपए से 5000 साथियों, ये तो 15-15 हजार रुपए थे। डर मानिए आरसीएम का कि गामा को लेके आया और सभी ने अपने रेट कम करने पड़े, और वो तो 100 mg से ऊपर एक भी नहीं है। आपका गामा ओरिजिनल 150 mg साथियों 565 रुपए का बिकता है, और आपको तो 425 रुपए का मिलता है। 140 रुपए का तो गैप हो गया। आपने 2 cc रोज बेच दी, 280 रुपए कमा लिए। कमाल की बात है, 319 रुपया तो आपका बिजनेस वॉल्यूम है। अगर आप 20% पे भी हो तो 64 रुपए तो खाते में आ गए। मेरी इस बात को गौर कीजिए साथियों, 2 cc रोज बेच दी। कैसे बेच दी? ले ले भाई साहब, मेरे पे 2 ऑर्डर ही है घर पे, फालतू पड़ी थी यार, फलाना ने बिल कटवा दिया यार, अभी एक्सपायर ना हो जाए यार ये। आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितना हीरे मोती पड़े हैं, आप उनको एक्सपायर बोल रहे हो। आप उनको बताइए कि भाई साहब समस्या को हल करेगा, आधी सी उल्टी दीजिए भाई साहब, हम खा लेंगे। 565 की बेचोगे, 140 रुपये बचेंगे, 32 रुपये 64 रुपये खाते में आएंगे। आप 140 और 64 204 रुपये एक सीसी में बचेंगे। 2 cc बेच दी तो 408 रुपये एक ही दिन में कमा लोगे। कमाल है, 408 रुपये के दिन में कमा लोगे। ये है गामा, इसके मास्टर बनिए। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, गंगा बह रही है, माहौल बना हुआ है। आपको तो माहौल ही नहीं बनाना, माहौल तो बना हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है। देश में मिशन 5 करोड़, 5 करोड़ मिशन, 5 करोड़ घरों में लोगों में गामा जाएगा। और अभी तो सर ने बोला है कि 50 करोड़ लोगों के हाथ में गामा दे दी, 50 करोड़ लोगों के हाथ में। 80 करोड़ लोग बेहद ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं, 80 करोड़ लोग। साथियों ये गामा का माहौल बना हुआ है, आपने तो सिपाही बनना है बस, आपने तो टीम का हिस्सा बनना है दोस्तों, टीम का हिस्सा बनना है। आप देखिए, अगर आप मिराकल करना चाहते हो, वही बीमारियां दोबारा से आ गई हैं, इनको ठीक करता है। और मैं आपके सामने एक ऐसी स्लाइड रखना चाहता हूं, आप देखिए इसको। एक गामा सेल करें रोजाना, मेरी स्क्रीन व्हाट्सएप आ रही है ना? यस सर, यस। एक गामा सेल करें रोजाना दोस्तों, पसीने तो नहीं आ रहे? काम तो करने से बनेगा। एक फौजी जब अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा होता ना, गर्मियों में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में 50-52 के टेम्परेचर पे होता है, और सर्दियों में ऊपर ले लद्दाख और हमारे बॉर्डर पे लोग बर्फ में जमे होते हैं, कई बार तो बर्फ में से निकालने पड़ते हैं। पैसा, देश की सुरक्षा, क्या ये देश की सुरक्षा नहीं है कि आप बीमार लोगों को ठीक करोगे? सोचें तो दोस्तों, थोड़ा सोच तो लें। एक गामा की बोतल सेल करें रोजाना, कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा राजेश जी? 319 मिलेगा टपाक से। उसका थायराइड ठीक होने लग रहा है, उसका बीपी ठीक होने लग रहा है, शुगर में फायदा मिल रहा है। रिजल्ट हमारे पास एक नहीं है, हजारों हैं, हजारों लोग हाथ जोड़ के पूजा कर रहे हैं कि गामा ने बचा दिया। 319 अगर रोजाना एक बेचोगे तो 30 दिन में कितना हो गया साथियों बिजनेस वॉल्यूम? 9,570, यानी कि 10,000 लगभग हो गया। आपकी पर्सनल खरीदारी तो लग रहेगी इसमें। MRP 565, DP 425, गैप कितना हो गया? 140 तो एक में बचेगा, 30 में कितने बचेंगे? 140 एक में, 30 में बचेंगे 4200 रुपया। और साथियों क्योंकि आपका तो 10,000 तो बीबी सेल्फ IDP हो गया लगभग, लगभग कुछ नीचे से कमीशन आएगा, 14% तो नॉर्मल हो गया। 1800 रुपये तो खाते में भी आएंगे, 6000 रुपये की इनकम होगी साथियों उस व्यक्ति की जो बिल्कुल रेडी लगाने वाला है, जो टीचिंग करने वाला है, जो डॉक्टरी करने वाला है, जो व्यापारी है, जो भैंस चराने वाला है, वो दुकान में बैठने वाला है, उसने एक ही तो बोतल रोज देनी है। थोड़ा सा अपने आप को सेंसिबल बनाना ना। दुकान में हुक्का रख के बैठ गया तो गामा कौन लेगा? उस पर गामा कोई नहीं लेगा। अखाड़े में जो पहलवान टांगे बाहें ठीक करता है ना, वो अखाड़े में करता है क्योंकि लोग उसको जानते हैं। डॉक्टर क्लिनिक में बैठ के इलाज करता है क्योंकि उसको वहां जानते हैं। टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वो अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाएगा तो वहां भी व्यवस्था बनाएगा। साथियों जगह जगह होती है, काम तो वही जगह होगा, जहां जिस जगह काम होगा वहीं पर होगा। अगर आपने सेंसिबल अपने आप को बना लिया, आपने थोड़ा सा अपने आप को औरों से अलग कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को बेस्ट क्वालिटी में ले आए, तो लोग आपसे पूछेंगे। एक महीने की इनकम 6000 हो गई दोस्तों उस साथी की जिसको आपने कल ज्वाइन कराया है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो दोस्तों, 5 बोतल रोजाना, 5 बोतल गामा रोजाना, टारगेट लेना ना दोस्तों, टारगेट लेना ना। कोई तो लोग ऐसे हैं सब्जी मंडी में जाकर के 50 दर्जन केले की नहीं बेच सकते, और कोई ऐसे हैं जो है ना 100 दर्जन बेच करके फटाक दे आ जाते हैं।
पांच सीसी सेल रोजाना दामा की, एक पे आता है 319 बिजनेस वॉल्यूम, पांच पे कितना आएगा 1595 आएगा साथियों, बेचते तो हैं लोग, और 1595 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में आएगा तो कितना हो गया 17,850 हो गया, 47,850 हो गया दोस्त, 47,000 है ये। और एमआरपी कितना मिलेगा, गैप कितना हो 140 तो एक में है, और आपने कितने बेचे टोटल, आपने दोस्तों पांच डेली के बेचोगे तो एक तो 150 हो गए आपके, 150 पीस इंटू 140 21,000 रुपया तो आपने बाई हैंड कर लिया, कमीशन आपका लगभग 10,000 आएगा, क्योंकि आपकी 50,000 के करीब तो सेल ही होगी खुद की, और वैसे भी 19% पे तो आप खुद ही जा रहे हो, 1995 वैसे भी नीचे से बिजनेस आएगा, 10,000 तो नॉर्मल है, यानी कि ये आपका 31,000 रुपया हो गया। दोस्तों बात यहां पर ये आती है, गामा की एजुकेशन आप पे होगी तो चमत्कारिक परिणाम आएंगे। अच्छा कई लोग बोलेंगे सर 565 का कौन लेवा है, 10,000 का टीका लगवा के आते हैं डॉक्टर के पास, तो टीके की कीमत 100 रुपये होती है, कभी नहीं कोई बोलता क्यों लगा रहे हो। साथियों सभी लोग गन्ने का रस पी रहे हो, 20 रुपये का मिलता है, आप उसको बोलते हो कभी 20 रुपये क्यों दे रहे, तेरे तो ये 6 रुपये का पड़ता है। आपके भाई ने आपके ताऊ के लड़के ने दुकान कर ली किराना की गाँव में, और वो आकर के आपको पेस्ट बेच रहा है 70 रुपये की, वो तो 56 रुपये की लाया है, आपने कभी पूछा 56 की क्यों लाए हो, मेरे को 60-70 की क्यों बेच रहे हो। दुकानदार तो बेचेगा, आप बेचने के लिए बने हो ना, तो आप ये मत क्यों विश्वास में कीजिए कि मैं क्यों बेचूं महंगी 565 की, एमआरपी पे बेचिए दोस्तों, डीपी पे लेकर आइए, अगर कोई चाहता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए। साथियों 31,000 रुपये आए, अगर कोई चाहता है कि मैं 10 डीपी रोजाना सेल कर सकता हूं, 10 319 × 10 3190 का बिजनेस वॉल्यूम डेली हो गया, और 30 दिन में हो गया 95,700। साथियों एक डिब्बी के अंदर एमआरपी गैप होता है 140, और क्योंकि आपने 10 डेली बेचा है 300 पीस हो गए, 140 × 300 42,000 रुपया आपको हैंड टू हैंड हो गया, कमीशन बना आपका लगभग 25,000 मिनिमम है ये, 67,000 रुपये की इनकम आपके पास आई। आप जब पैसा कमाते दिखोगे तो आपका साथी भी तो आपके साथ जुड़ेगा, यानी आप ऊपर हो, आप एक बोतल रोज बेचते हो या पांच या दस आपके ऊपर निर्भर है, तो आपकी टीम में भी वही बनेंगे, एक वाले एक, दो वाले पांच, वाले पांच, दस वाले दस, यानी कि आपका नेटवर्क, फिर उनका नेटवर्क, फिर उनका नेटवर्क, फिर उनका नेटवर्क, आपके पास पैसे, उनके पास पैसे, उनके पास पैसे, उनका जीवन सुधर गया, उनकी इमेज बन गई, वो अपनी गली के अंदर समाज शहर के अंदर योद्धा माने जाते हैं, वो योद्धा है, और उनकी टीम आगे बढ़ेगी, नेटवर्क बनेगा, मजबूत लोगों का नेटवर्क बनेगा। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप स्थापित हो गए दोस्तों, आपने वो काम कर दिया जिसको लोग जानते हैं, तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आपकी इमेज बनेगी। डेली कुछ ना कुछ सेल करके 100 रुपए जेब में डालना चाहिए, घबराइए मत, टीचर है तो टीचिंग करके पैसा कमाता है, इस फील्ड में अगर आया है तो उसको ये काम करना होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टरी करके पैसा कमाता है, इस फील्ड में आया है तो ये काम करना होगा, व्यापारी है तो व्यापार करके पैसा कमाता है, इस फील्ड में अगर आया है तो उसको ये काम लोगों को बताना होगा, अगर इस काम को बताने में शर्म आती है तो उसी काम को करना होगा जिस काम को पहले से कर रहे हैं, अगर उस काम में उसके लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं साल के, तो साथियों उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अगर उस काम में उसको लग रहा है कि आने वाला समय खतरनाक होने वाला है, तो इस काम को सीखने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूं दोस्तों, डेली एक प्रोडक्ट को लेके आइए, और पुनः इस मीटिंग के बाद सभी साथी जो भी चाहता है एक्टिव साथी, हम एक विशेष प्लानिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में दोबारा जुड़ जाइए, और मैं एक बार दोबारा से राजेश वत्स के पास जाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, कमाल का प्रोडक्ट आपने सर दिखा दिया, एक शानदार प्रोडक्ट। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कि हड्डियों को मजबूत करता है, बीपी को, शुगर को, सभी को सही करता है, अगर आप इसको मार्केट में लेकर जाएंगे, किसी भी ग्राहक को आप दिखाएंगे, उसको अगर आप ये कहेंगे कि मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूं, दोस्तों दवाई तो लोग पहले ही खा रहे हैं, नहीं सुनेंगे आपकी। अगर आप उसको ये कहोगे कि मैं आपकी दवाई छुटवाने आया हूं, 3 महीने आप अपनी दवाई के साथ लीजिए और आपकी ये दवाइयां बंद हो जाएंगी, बीपी की, शुगर की, जो आप खा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट आसानी से मूव होगा। और एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये शानदार सर ने जैसे बताया कि 67,000 की इनकम, यानी कि एक महीने में अगर लाखों हम कमाना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये तो हमारे पास तो 700-800 प्रोडक्ट की बहुत शानदार रेंज है,
तो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है और बहुत अच्छा नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है। तो अभी एक मिनट बची है सर की, जैसे सर ने बताया कि एक्टिव लोग जो है दोबारा जुड़ेंगे इस मीटिंग में, विशेष प्लानिंग रहेगी सर की, और सर एक शानदार ट्रेनिंग करने जा रहे हैं कल से, उसका हमें हिस्सा बनना है और एक्टिव लीडर दोबारा। इस विषय पे भी बात की जाएगी सर, गामा पे भी बात की जाएगी।